नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED के फॉर्म के बारे में। अगर आप भी DLED के लिए आवेदन करना चाहते हो, मध्य प्रदेश के निवासी हो, DED गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज के सी माध्यम से करना चाहते हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, DED की काउंसलिंग के आवेदन के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर पर गूगल सर्च कर देना है। गूगल पर सिंपली सर्च करना होगा RSK RSK SpaceMP Online.gov.in। कुछ इस तरीके से वेबसाइट रहेगी जो कि फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर दरअसल होता क्या है, वेबसाइट के अंदर जो भी PDF फाइल वगैरह नोटिफिकेशन रहता है तो उसकी डायरेक्ट कभी कभार गूगल लिंक दे देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ एड्रेस बार में देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली सिर्फ इतना कॉपी कर लेना है, RSK.MPOnline.gov.in। इतना कॉपी करने के बाद आपको एक नया टैब ओपन करना है, उसी में इसको पेस्ट कर लेना है और एंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर देखिए DLED काउंसलिंग का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल जो दी गई है उसको जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए क्लिक हेयर का बटन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड में कैसे क्या सर्दी वगैरह रही, कैसे आपको आवेदन करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आज जो काउंसलिंग की प्रक्रिया समय सारी होती है वो क्लियर तरीके से यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुकने के बाद इस फॉर्म को आवेदन करें। 13 मई से 26 मई तक यहाँ पर इसके आवेदन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे DLED के। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके की वेबसाइट रहेगी, अलग अलग कॉलम वाइज डिटेल दी गई। तो सिंपली हमें आवेदन करने के लिए काउंसलिंग गतिविधि के ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट राउंड पोर्टल चार्ज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के जो माउस का कर्सर दिया गया उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर राइट बॉक्स में राइट टिक करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से यहाँ पर आपने 12वीं पास की है या फिर नहीं, अगर नहीं की है तो नो करें, की है तो एस करें। इसके बाद आपके सामने 12वीं की डिटेल डालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही डिटेल डाल दोगे तो यहाँ पर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक भरकर आ जाएंगी। यहाँ पर बेसिक चीज़ें आपको भरनी होगी जैसे कि जाति की डिटेल, निवास की डिटेल, आय वगैरह, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फ़ोटो लगानी होगी और फॉर्म सबमिट कर देना है और 50 रुपये की पेमेंट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों मोटे तौर पर देखा जाए तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। सिंपली आपको अपनी एक फ़ोटो चाहिए होगी, सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, आय जाति निवास चाहिए होगा, समग्र ID, आधार कार्ड और यहाँ पर सिंपली 50 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो आपके पास पेमेंट का माध्यम होना चाहिए, फ़ोनपे वगैरह से भी आसानी से पेमेंट हो जाएगी। 2-3 दिन रुकने के बाद आपको इसी ऑप्शन पर आना है और इसी काउंसलिंग गतिविधि पर आना है। यहीं पर आपको चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के 100 रुपये फीस लगेगी। ठीक है ना, ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन का 50 रुपये फीस कटेगा, चॉइस फिलिंग का 100 रुपये फीस कटेगा। तो यहां पर सावधानी पूर्वक चॉइस फिलिंग करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।